हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अटोमल गैरेज। आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिकॉर्न का साइलेंसर का आगे का बैंड पाइप वो सड़ा हुआ है वो हम नया डालेंगे। हमारे पास है वो भी देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है। देखिए ये देखो, ये साइलेंसर पाइप है, आगे का बैंड पाइप है, ये खड़ा हुआ है पूरा। ये देखिए, ये पूरा का खड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। तो हम आज इसको आपको पूरा पाइप निकाल के नया पाइप फिटिंग करने वाले हैं। देखिए नया पाइप, ये नया पाइप है, ये ओरिजिनल पाइप है जाड़ा वाला, और इसके अंदर डबल पाइप है। देखिए डबल पाइप है, ये मजबूत रहता है। चलिए आपको फिटिंग करते हैं। तो अभी हम साइलेंसर पाइप को ओपन करने वाले और पीछे से थोड़ा लूज़ कर देंगे, और फिर जो नया साइलेंसर पाइप आपको मैं दिखाऊंगा उसका क्वालिटी क्या है और कैसा है, फिर वो हम फिटिंग करके वेल्डिंग करने वाले। तो अभी हम साइलेंसर पाइप ओपन होने के बाद आपको दिखाते हैं। साइलेंसर पाइप पूरा साइलेंसर निकाल लिया है, तो अभी हम ये देखो पाइप का पूरा सड़ चुका है, आपको दिख रहा रहेगा। तो अभी हम इतना कट करने वाले, और यहाँ पे भी सड़ गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेल्डिंग पतरे का पैच मारने वाले। तो अभी आगे देखते रहिए हम। पाइप कटिंग करके हमने निकाला, तो सब यही देखो कैसे कैसे होल गिरे है, सब सड़ा हुआ है पूरा का। ये पाइप कुछ काम का नहीं है, कुछ काम करने भी गया है, सड़ा है। तो हम इसको नया बिठाने वाले हैं। सब पहले हम तो इसको पीछे वाला पाइप जो है ना, ये भी थोड़ा फटा है इधर, तो इसको भी हम पैच मारने वाले हैं। इधर पूरा का राउंडिंग पैच घुमाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastes.
sideways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. सर का पूरा पैच मार के राउंड पूरा हो गया है, ये देखिए पूरा पट्टी मारा है राउंड में से और गैस वेल्डिंग मारा है और अभी इसका जो गार्ड का नट टूटा है ये इधर गार्ड का नट टूटा है इधर का, तो इसको हम बोल्ट वेल्डिंग करने वाले हैं उल्टा और ऊपर से ये चाके पैक करेंगे वाचर लगा के। तो आप देखिए टाइट कर देंगे, पानी से टाइट कर देंगे आज कम इकड़े। हाँ ये कंप्लीट टाइट करके हो गया है गार्ड। तो अभी हमारा साइलेंसर पूरी तरह से रेडी हो चुका है और अभी हमें साइलेंसर पाइप नया लगाना है, तो अभी गाड़ी पे लगेगा। तो पहले अभी इसको हम गाड़ी पे टाइट करेंगे थोड़ा और फिर साइलेंसर पाइप का आपका प्रोसीजर बताते कैसा फिटिंग करना है। ये देखो आप, ये जूना साइलेंसर पाइप है जो इनका ख़राब हो गया और ये हमें लगने वाला है क्योंकि हमें नए साइलेंसर पाइप के साथ ये नहीं मिलता है। मेरा क्या बोलता है, ये टाइट करने वाला रिंग, साइलेंसर का मुंह टाइट करने वाला रिंग है ना, ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो यही लगाना पड़ता है। ओरिजिनल जो कंपनी से आता है ना उसका ही लेके लगाना पड़ता है, जो दूसरे पाइप भी आप लगाओगे तो उसमें नहीं आता है।
तो अभी हमें इसका काम है और आपको ओरिजिनल पाइप है कंपनी का। ये देखो कैसे ओरिजिनल पाइप कैसा पहचानने का, डबल पाइप आता है देखो, अंदर भी पाइप है एक ये वाला और ये बाहर से भी है। यानी पाइप की क्वालिटी देखो एकदम बढ़िया है, हैवी क्वालिटी है, एकदम जाड़ा है। अभी ये बांगड़ी जो है ना अपना जूना वाला अपन निकाला कटिंग करके ना वो उसमें डालेंगे और फिटिंग करेंगे। ये देखो सही आता है बराबर, ये ऐसे फिटिंग करके गाड़ी में हम लगाएंगे। ये देखिए ये अभी रिंग बर्ब उसके अंदर डाल दिया कम्प्लीट, अभी अपन उधर गाड़ी में फिटिंग करेंगे। हाँ पाइप फिटिंग करके अभी हम उसको वेल्डिंग करेंगे, तो आप देखिए प्रोसीजर कैसे करते हैं। पूरा साइलेंसर जो है हमने इधर से फिटिंग किया है पूरा का, इधर भी फिटिंग कर दिया है, अभी ये वेल्डिंग करना है, जॉइंट मारने का है गैस वेल्डिंग। ये एक साइड से हमारा वेल्डिंग हो चुका है, अभी हम पीछे से भी वेल्डिंग कर लेंगे राउंड में। अभी आप देख सकते हो हमारा अंदर से भी हमने अच्छे से वेल्डिंग कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसका साउंड होता है वो आपको सुनाएंगे।